हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, अधूरी ख्वाहिश। कहते हैं ना कि जब सर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो ख्वाहिशें अपने आप खुदकुशी कर लेती हैं। तो मेरी ये कहानी आज की कुछ ऐसी ही है और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, ये कहानी आप अपने पिता में, अपने बुज़ुर्गों में ज़रूर देखेंगे। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। बस इसी किचन में मेरा सारा जीवन बीत गया। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं था। देखो ना, सारे देवर देवरानी सब लोग कितने ऐसे हैं, कितने मज़े से हैं। कहीं घूमने जाना होता है तो साथ सब जाते हैं, पर तुम तो कहीं मुझे लेकर गए ही नहीं। बस किचन में खाना बनाऊं, चाय बनाऊं। लो, तुम्हारी चाय बन गई है और अपनी चाय पियो, गुस्से में शांति देवी ने अपने पति से कहा। उनके पति अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी आज जो गुस्सा कर रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो भी क्या करते, उनके सर पर जिम्मेदारियों का जो बोझ था। उन्होंने बचपन से ही काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई। उनके पिता नहीं थे और माँ थी और भाई बहन थे, तो सबकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन्हीं को देखना था। वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसे देखकर उनकी पत्नी और गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, वो बोलती हैं कि हाँ, तुम मुस्कुरा लो, तुम्हें पास तो और कोई काम ही नहीं, तुम्हें मुझे यूँ परेशान देखकर अच्छा लगता है। मैं पूरा दिन किचन में खपती रहती हूँ, तुम्हें इतना भी नहीं रहता कि हाँ मुझे थोड़ा सा आराम करने दो या मुझे कहीं घुमा लाओ। मैंने जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं इसी घर में ही हूँ। मेरा भी तो मन होता है मैं बाहर जाऊँ, दुनिया देखूँ। मेरे देवर देवरानी, बच्चे, सारे लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं। बेटे की शादी हुई तो उसे हनीमून पर भेज दिया और अब ये भी नहीं सोच रहे थे कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब जो है मुझसे काम नहीं होता है। तो उनके पति मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे उन बच्चों का खेलने कूदने का टाइम है, तो मैंने इसी वजह से उन्हें घूमने बाहर भेज दिया। इस पर शांति देवी जी गुस्सा होती हैं, हाँ मैं तो कभी नहीं घूमने गई, क्या मेरी उम्र नहीं थी घूमने की। उनके पति अपनी पत्नी की इस गुस्से को समझते हैं और उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, अच्छा तो बेटा वो घूमने गए हैं या तुम्हारे देवर देवरानी घूमते रहते हैं, इस वजह से तुम्हें जलन हो रही है। तो शांति देवी इस पर और झुंझला जाती है और कहती हैं, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे बचपन से सिर्फ घर ही और किचन, यही तो मेरी दुनिया रही है, इसके आगे तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है। मैं मायके में थी तब भी मैं कहीं नहीं गई और ससुराल में आई थी, इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर पर आ गया और मेरी दुनिया तो बस किचन और घर है ना, इसके अलावा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। वो भुनभुनाते हुए बर्तन धुल रही थी शांति देवी। उनका बचपन, वो बचपन में सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी वजह से उन्हें लाखों कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि जो है जब भी कोई बात होती तो उनके माता पिता कहते, अरे तुम बड़ी हो, तुम समझो, वो छोटे हैं तो उन्हें तुम समझने की कोशिश करो। तो छोटी छोटी बातों पर वो कंप्रोमाइज़ करती थी। इसके बाद जब वो शादी होकर ससुराल आई तो यहाँ पर एक भरा पूरा परिवार था, देवर नंद और सास ससुर। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके सर पर। वो जब ससुराल आई तो जो उनका सुबह से लेकर शाम तक वो किचन में रहती थी, कभी किसी के लिए कुछ बनाना तो कभी किसी के लिए कुछ करना। वो अक्सर सोचती कि हाँ, मुझे मेरी देवर की शादी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। इनके पति जॉब करते थे और इनके पति के पिताजी नहीं थे, जिससे सारी जिम्मेदारी इनके पति के ऊपर थी। इनके यहाँ एक नियम भी था उस टाइम पर कि पति के सामने ना आप बैठ सकते हो, ना आप हंस सकते हो और ना ही आप उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकते हो। उनकी सास थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी और उन्हें ये सब चीज़ें करना, उन्हें पति के साथ बैठना हंसना पसंद बिल्कुल नहीं था। उनके पति भी अपनी पत्नी से दूर ही रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता रहता था।
शांति देवी को, क्योंकि जो है वो चाहती थी कि वो कुछ पल पल उनके पति उनके साथ बैठें, पर उनके घर का रूल अलग था जिसकी वजह से वो अपने पत्नी से कुछ भी बातें नहीं करते थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। नंदों की शादी हुई। नंदों की शादी होने के बाद देवर की शादी जब होने को आई तो शांति देवी ने सोचा चलो कम से कम उन्हें कुछ थोड़ा सा आराम मिलेगा, उनकी देवरानी आ जाएगी। देवर की जॉब लग चुकी थी जिससे जिम्मेदारियां भी कुछ बढ़ सी गई थी। जो है इसके बाद जब देवर की शादी हुई तो देवरानी, उन्होंने सोचा चलो देवरानी आ जाएगी तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन शादी होते ही देवर ने अपना एक अलग आशियाना बसा लिया जिससे उनके मन में और कुंठा होने लगी कि आखिर मेरे पति ही सारी जिम्मेदारी क्यों संभालें। उनके देवर दूर शहर में जॉब करते थे जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। माँ की जिम्मेदारी थी इनके पति के ऊपर तो ये अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा पाए। और उन्होंने इन्होंने फिर शांति देवी के पति अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और माँ की देखभाल में अपना टाइम बिताने लगे, और जिसकी वजह से शांति देवी के लिए इनके पास ना कभी टाइम हुआ ना कभी वो कहीं उन्हें घुमाने ले जा पाए। उधर देवर देवरानी अक्सर कहीं ना कहीं प्लान बना लेते थे घूमने फिरने का, तो वो लोग घूमने फिरने चले जाते थे। और जो है जिसे सुनकर कभी कभार शांति देवी जी को बहुत गुस्सा आती थी कि आखिर उन्हीं के पति के पास टाइम नहीं, उन्हीं के पति के पास इतनी जिम्मेदारियां क्यों हैं। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और शांति देवी पूरे जिम्मेदारी से अपने घर का निर्वाह कर रही थी, सास की देखभाल कर रही थी। कुछ दिनों बाद सास का स्वर्गवास हो गया और उनके बेटे और बेटियां बड़े हो गए। बेटियों की शादी करने के बाद वो उन्होंने बेटियों की शादी की और अब बेटे की शादी की बारी आई। शांति देवी को लगा कि चलो बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू आएगी तो थोड़ा उनको आराम मिल जाएगा। बेटे की शादी हुई, बेटे का भी जॉब लगा था तो बेटा और बहू घर से बाहर निकल गए। शांति देवी को अब ऐसा फील होने लगा कि उन्हें ज़िंदगी में कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनकी जो इच्छाएं हैं सब दबी की दबी रहने वाली हैं। उन्होंने मान लिया था कि अब वो कभी भी लाइफ में कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाएंगी। इसी बीच शांति देवी के बेटे और बहू कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और वो घूमने चले जाते हैं। शांति देवी इसी बात को लेकर वो रुष्ट रहती हैं कि सभी लोग तो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, फिर उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने का वक्त क्यों नहीं मिला। इसी बात का गुस्सा वो अपने पति पर निकाल रहे थे। वो जब अक्सर कहती कि देखो बच्चे भी घूमने जा रहे हैं, देवर देवरानी भी घूमने जा रहे हैं, सभी लोग घूम फिर रहे हैं, तो फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके पति कहते देखो अब हमारी एज हो चुकी है, अब इस एज में अगर हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, अभी ये उम्र तो बच्चों की घूमने फिरने की है ना। तो इस पर शांति देवी गुस्सा करती कि हाँ जब क्या मैं बच्ची नहीं थी, क्या मेरे वक्त पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। तो इस पर उनके पति समझाते हैं तब माँ को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी, मैं कैसे जिम्मेदारियों को छोड़कर, भाई बहनों की जिम्मेदारियों को छोड़कर कैसे तुम्हें लेकर घूमता। दोनों पति पत्नी में अक्सर इस बात को लेकर बहस हो जाती थी। कुछ दिन बाद जब उनका बेटा बाहर घूम के आया तो वो सबके लिए गिफ्ट लाया था। उसने शाम को चाय पर जब सब लोग बैठते हैं तो वो कहता है माँ मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो अपने मन में भुनभुनाती हाँ गिफ्ट ही तो लाओगे और क्या करना है, और क्या लाओगे, साड़ी ले आओगे या पर्स ले आओगे, ऐसे ही कुछ ले आओगे। तो उनकी बहू कुछ नहीं बोलती है और जब वो अपना बैग खोलते हैं वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए रहते, घर के बच्चों के लिए भी, चाचा चाची के बच्चों के लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी ले आए रहते हैं। तो इस पर जब सबका गिफ्ट खुल जाता है लेकिन शांति देवी का गिफ्ट नहीं मिलता है तो उठती हैं, वो कहती हैं अच्छा मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो मन में सोचती हैं कि मुझे पता था बच्चे क्या लाएंगे,
मेरे लिए क्या लाएंगे, साड़ियाँ मेरे पास बहुत हैं, उन्हें पता है, हो सकता है आस पास कुछ ले आए हों, और क्या लाएंगे मेरे लिए। वो कहती, वो उठकर चाय बनाने के लिए जाने लगती हैं, तभी उनकी बहू कहती, माँ अपना गिफ्ट तो ले लो, आप कहाँ जा रही हो अभी। तो कहती हैं, अरे चाय बना ले, रख देना वहीं पर, देख लूँगी बाद में, कोई बात नहीं। तो इस पर वो उनकी बहू रुक लेती, कहती नहीं माँ रुको, आप जाओ ना अभी, पहले अपना गिफ्ट ले लो आप। तो वो निकाल कर अपने जेब से एक लिफाफा देती है। तो शांति देवी सोचती हैं कि मुझे अभी इस समय पे पैसे की क्या ज़रूरत है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे ये पैसे दे रही है। और कहती ये क्या है, किस चीज़, ये क्या चीज़ है। तो उनकी बहू कहती है माँ खोल के तो देखो। तो जब वो खोलती है तो उसमें दो टिकट होती है, तो वो समझ नहीं पाती, वो कहती ये क्या है। तो इस पर उनके पति कहते हैं, अरे ये तो टिकट है, ये तो ये जो है प्लेन का टिकट है बेटा, इसका हमें क्या, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो उनकी बहू कहती पापा इसकी आपको ज़रूरत है, ये वैष्णो देवी जाने का टिकट है, और आप लोग एरोप्लेन से वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर भी बुक कर दिया, आप लोगों को ज़्यादा चढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग पंजाब निकल जाइएगा, आप लोग वहाँ पर स्वर्ण मंदिर का दर्शन कीजिएगा, आप लोग बाघा बॉर्डर चले जाइएगा, ये आप लोगों के लिए है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब इस उम्र में हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ घूमे फिरेंगे, और अब ये तो उम्र तुम लोगों की घूमने फिरने की है। तो उनकी बहू कहती है नहीं पापा, माँ की इच्छा थी वैष्णो देवी जाने, एक दिन मैंने सुना था माँ को ये कहते हुए कि उनका मन है वैष्णो देवी जाने का, तो हम लोग जब घूमने गए थे तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि अब की बार आप लोग घूमने जाओगे और वैष्णो देवी जाओगे, क्योंकि वो ये माँ की इच्छा है और माँ कभी भी बाहर नहीं गई हैं। तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप माँ को लेकर अब घूमने जाइए, आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, अपने बेटियों को पढ़ाया, अपने बेटों को पढ़ाया, अपने भाइयों को पढ़ाया, और अब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए और अपनी अधूरी इच्छाएं कंप्लीट कीजिए, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कीजिए। तो इस पर उनकी माँ शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनकी बहू ने इतना कुछ सोचा उनके लिए, और वो सच में उनका मन था कि वो वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाएं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग ही नहीं हो पा रही थी कि वो वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए जाएं। लेकिन उनकी बहू ने उनकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी और वो बहुत खुश थी कि हाँ वो वैष्णो माता जाएंगी। और इस तरह उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया, और फिर कि उनकी बहू ने उन्हें एक कपड़ा गिफ्ट दिया और कहा माँ अभी इसे ट्राई करके आओ। जब वो ट्राई करने गई तो कहती बहू ये क्या है, ये मैं नहीं पहनूंगी। तो बहू उनकी मुस्कुराने लगती, कहती माँ पहन के तो देखो एक बार, बहुत अच्छी लगेंगी। तो वो आती कहती देखो जी अब मैं इस उम्र में ये सब पहनूंगी। तो उनके पति कहते हैं अरे क्या है तुम इस उम्र में क्या पहनोगी, कौन सा ऐसा कपड़ा है जो तुम जो है इस उम्र में नहीं पहन सकती। तो उन्होंने कहा अरे ये सूट है, सूट मैं थोड़ी ना पहनूंगी अभी सेज में। तो इस पर उनके पति मुस्कुराने लगे, वो कहते हैं जरा अच्छा पहन के तो देखो, बहू इतने प्यार से लाई है। तो वो उनके पति जब कहते हैं तो वो पहन के आती हैं, तो उनके पति कहते हैं तुम तो एकदम 25 साल की लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। इस पर वो मुस्कुराने लगती हैं और वो तब उनकी बहू कहती है माँ वक्त है, वक्त के साथ बदलना सीखिए, और आप सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, वहाँ चढ़ाई करने में आराम रहेगा, इसी वजह से मैं आपके लिए सूट लाई हूँ, आप इस सूट को पहनिए। और ये उम्र से कुछ नहीं होता है, आप जो है आप अपनी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकती हैं, मुझे ये भी पता है आपको सूट पहनना बहुत पसंद है। तो वो मुस्कुराने लगती हैं कि मेरी बहू को मेरे बारे में इतना ढेर सारी जानकारी कैसे है। और तो वो पूछती हैं कि बेटा तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता चली। तो वो उनकी बहू कहती है कि आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बताया है। वो अपने बहू और बेटे को गले लगा लेते हैं, उनके पति उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जिस पर वो शर्मा सी जाती हैं। और इस तरह ये कहानी फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म होती है, अधूरी इच्छा। कहते हैं ना कि जो है एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होना चाहिए, कि एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होना चाहिए ये कमबख्त ज़िंदगी, तो उम्र अदब और लिहाज में ही गुजर गई।
कभी कभार ना गुस्ताखियाँ करना अच्छा लगता है। हम लोग कभी कभार ये नहीं मतलब ये देखते हैं ना कि हमारे माता पिता हमारी इच्छाओं के लिए अपनी कितनी इच्छाएं मार चुके होते हैं, लेकिन अगर हमें वो वक्त मिले ना तो वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ करना है। उसे आपको समझना होगा, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपके माता पिता ये चाहते हैं कि आप उनकी ये इच्छाएँ पूरी करें, तो उसे आपको समझना होगा। और ये समझकर आप उनकी इच्छाएँ अगर पूरी करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें अपनी परवरिश पर गर्व होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे हो सके तो अपने मम्मी पापा की इच्छाओं को ज़रूर पूरा करिए। एक टाइम था, मम्मी भी बताती हैं, एक टाइम था जब लोग अपने पति के सामने पर्दा करते थे। मेरे यहाँ सासू माँ मेरी बताती हैं कि वो अपने पति के सामने अगर उनके सर से पल्लू हट जाता था तो उनकी सास बहुत गुस्सा करती थी कि जो है तुम मेरे बेटे के सामने ऐसे सर से पल्ला हटा रही हो। तो वो वक्त था जहाँ पर लिहाज और अदब हुआ करता था। अब तो खैर वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक वक्त था तब हुआ करता था, तब लोग पति के सामने बात नहीं कर सकते थे, उनके पति अपने बच्चों को ही गोदी में नहीं ले सकते थे, ये अदब होता था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर भी उन लोगों की इच्छाएं होती थी कि कहीं घूमने फिरने जाएं, कहीं कुछ इंजॉय करें। इच्छाएं तो हर इंसान के मन में होती हैं, तो जब वो इच्छाएँ उस टाइम पर दबी रहीं तो अब अगर उनके बच्चे ये चाहें तो उनकी इच्छाएँ ये पूरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात बताइएगा कि आपके घर में क्या आपके दादा दादी ने कभी ऐसा दादा दादी के टाइम पर ऐसा हुआ, या दादा दादी की कभी कोई इच्छाएं दबी रहीं, या मम्मी पापा की कभी कोई इच्छाएं दबी रहीं, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में ऐसे रूल्स रहे हों और उनके और आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी इच्छाएँ दबी रही हों, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। इसी के साथ नमस्कार।